आपका शहर है, रविंद्र जी का शहर है, ये बताइए मैम कि व्हाट मेड यू डू दिस, ये इतना बड़ा डिसीजन आप लेते हैं और पॉलिटिक्स में आ जाती है, ये तो अलग पिच है, एक तो है क्रिकेट पिच, आप तो पॉलिटिकल पिच पे हैं। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू आवर जामनगर, थैंक यू। एंड डेफिनेटली 2018 से, इससे पहले पहले बात करते हैं, बिफोर शादी एंड ऑल, तो पहले से ही एक माइंड मेकअप था कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में जाना था, कहीं ना कहीं देशभक्ति के लिए इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना था। बाप रे, IAS IIF जाना था। जी डेफिनेटली, आई वॉज एन एस्पिरेंट फॉर सिविल सर्विसेज, मैं 2.5-3.5 साल तक दिल्ली में थी, देन आई अपियर फॉर इंडियन एयरफोर्स एज वेल, बट समहाउ डेस्टिनी कह लीजिए, नसीब कह लीजिए कि जामनगर की जनता की सेवा का मौका मिलने वाला होगा। एट दैट टाइम आई गॉट मैरिड और उसके बाद से थोड़ा बहुत ट्रैक चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं अंदर से एक जो खटक होता है ना कि ये करना था कुछ और, आ गए कहीं और, तो ये वाला जो कंफ्यूजन था उससे हस्बैंड ने पुश किया। बेसिकली मैं तो बोलती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जो हमारा मेल डोमिनेटिंग है उनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो माई हस्बैंड पुश मी, देन वी मेट अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उस टाइम उनके विचार, उनकी प्रेरणा, उनका जो एक स्वभाव और व्यक्तित्व, वो मुझे बहुत ही पर्टिकुलरली मुझे बहुत ही भा गया, मैं प्रेरित हुई, देन आई ज्वाइन बीजेपी। बट इंटरेस्टिंग यू आर टेलिंग मी कि रवि जडेजा पुश्ड यू इनटू पॉलिटिक्स, वो खुद नहीं, हाँ, आपको कुछ कर रहा है तो आप करें yes. नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बनूंगा एमएलए, मैं बनूंगा एमपी, नहीं वो नहीं बनना चाहते, वो हैप्पी है T20 खेलना, विकेट्स लेना, रन्स करना, राइट। बट व्हाई, ये क्या है, क्योंकि एक सिटिंग मिनिस्टर को ड्रॉप किया, आपको टिकट दी गई है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा है आपको? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी वो कैडेट बेस्ड पार्टी है, सर्वोच्च नेतृत्व के आधार पे जो डिसीजन लिया जाता है वो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन है वो सहर्ष स्वीकारते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि ये हो गया मंद हो गया, अभी आप देख रहे हैं कि उनको 77-78 जो माननीय हमारे हकूबा जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जाडेजा जो थे, मिनिस्टर भी थे, धारासभ्य भी रह चुके हैं, तो उनको इंचार्ज बनाया गया और अभी यहाँ वो आने वाले थे, बट समहा उनकी कुछ और मीटिंग है, क्योंकि कल अमित शाह जी आ रहे हैं तो उनकी वो अरेंजमेंट्स में सब बिजी हैं। तो वही एक है कि साथ में रहकर चलना, सबका साथ सबका विकास, यही एक मोटिव और यही एक एजेंडा के साथ आगे बढ़ना, यानी कहीं ना कहीं एक बार मोदी जी और अमित शाह तय करें और भारतीय जनता पार्टी कि रवि बा को टिकट देना है तो उसके बाद और कोई कुछ होता नहीं, राइट, तो सब मान जाते हैं, सब नहीं, भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है और उनके साथ मिलकर उनकी विचारधाराओं के साथ संयुक्त रहकर जब सेंट्रल जो नेतृत्व डिसाइड करता है उसी के साथ सब फ्लो में चलते हैं। आपको ये डर नहीं लगता कि इस पिच में क्या होगा, कोई टर्निंग बॉल आ जाएगा, दूसरी तरफ से बड़े कैंडिडेट आ रहे हैं, कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी, नो फियर, डर नहीं है, यू हैव नो फियर? सर, आप किसी के चेहरे पे देख सकते हैं डर की एक लकीर, डर नहीं है, आप गारंटी, आप कह रही आपको पूरा विश्वास है कि आप चुनाव जीत सकती है, लेकिन अगर आप बने यहाँ से विधायक बने तो क्या करेगी, क्या फर्क होगा, क्या सबसे बड़ी पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जी डेफिनेटली, सबसे बड़ी बात यह है कि 78 नॉर्थ जामनगर से मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, तब बेसिकली मैं एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आपको नहीं बता सकती, मैं एक ही बात कहूंगी जो मैंने हर जगह पर बोली है कि जामनगर हमारा महानगर की कैटेगरी में आता है, तो उस महानगर को हमें साथ में लेके कैसे स्मार्ट सिटी के तौर पे कन्वर्ट करना है, यही हमारी मुख्य प्राइमरी जो है, हमारी एक विचारधारा रहेगी, प्राइमरी हमारा एक जो फोकस रहेगा, सेंटर पॉइंट रहेगा, तो ये उसी मुद्दे पे टिकता है। अच्छा, ये तो पूछना पड़ेगा कि इसमें आपके हस्बैंड कभी दिखाई नहीं दे रहे प्रचार में, कहाँ है वो? वेरी, वो नॉमिनेशन के दिन आए थे, उसके बाद वो गायब हो गए। यस, मैं आपको कल से ही उनका स्केड्यूल आ गया पार्टी से, बिकॉज ये सब आयोजन जो करना पड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी आयोजन करती है, हम सोलो आयोजन नहीं कर सकते, अभी मैं पार्टी की एसेट हूँ तो वो भी परोक्ष तौर पे एसेट ही हो गए हैं, तो कल से उनका स्केड्यूल चालू हो रहा है, हम रोड शो कर रहे हैं, हम पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं और अभी से उसकी शुरुआत हो गई है, अभी हम जामनगर क्रिकेट बंगले से हमने उसका शुभ मुहूर्त कर दिया, हम बच्चों से मिले, वहाँ के पेरेंट्स से मिले, वो सब आज से ही शुरू हो गया, तो वो तैयार है, डेफिनेटली वो पूरी तरह से, तो ये डबल इंजिन, तो सरकार की बात करते हैं, ये तो डबल पार्टनरशिप की बात आप कर रही है। डेफिनेटली, एक मुझे कहा गया है दिल्ली में ऐसी अफवाह थी कि यहाँ एक परिमल नथवानी जी है रिलायंस के, उन्होंने कैंडिडेट बदला और कहा कि रिबाबा को चांस दीजिए, क्या ये सही है कि कहीं ना कहीं उनकी भी बैकिंग आपके साथ है? जी देखिए, मैं
विश्वास करती हूँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से। मुझे परिमल जी का फोन नहीं आया था, मुझे फोन आया था सीआर पाटिल जी का, जो हमारा संगठन जो इंचार्ज है उन्हीं बीजेपी अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष उनका मुझे फोन आया था। तो मैं उनकी विचारधारा और खास करके फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जामनगर की जनता के ऊपर विश्वास डाल के मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, तो ये सब इनके विचारधारा इनके विश्वास के साथ मुझे कैंडिडेट के तौर पे चुना गया है, तो डेफिनेटली मेरा जो कर्तव्य है वो सेंट्रल नेतृत्व को रिप्रेजेंट करना है। एक आखिरी सवाल, यहाँ महिलाएं बहुत है, कभी कभी कहा जाता है ज्यादा महिलाएं गुजरात की राजनीति में नहीं है, क्या ये सही है कि आप चाहती है कि एक महिला बने? नहीं पर आप लोग ये पुरुषों को चैलेंज दे सकेंगे क्या? एक हमारी 100 के बराबर है। अच्छा, झांसी की रानी, हम उसे अम्मा बुलाते हैं। नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि रिबाबा की जगह रविंदर को टिकट देना, वो तो जामनगर से आते हैं, रिबाबा आती है राजकोट से पहले, तो यहाँ क्या आपको लगता है? हाँ, यस, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि जामनगर की हिस्ट्री में 78 की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा इतिहास में हुआ है कि कोई महिला और वो भी युवा उम्मीदवार को टिकट मिला है। और मैं अपनी तरफ से एक बात बोल देती हूँ कि जो फर्स्ट वुमन सिंस 1978 टू कॉन्टेस्ट, यस, और ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही प्रिविलेज की बात है। और साथ ही साथ ये बात भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि मैं जामनगर के आसपास के 200 जितने गांवों में घूमी हूँ, इसीलिए मैंने सिटी एरिया में कभी मुलाकात नहीं की है। बट डेफिनेटली पार्टी का जो आदेश रहा है कि मैंने 78 से लोगों के बीच में जाके मुझे जो सेवा का अवसर मिलने वाला है, डेफिनेटली पूरी ताकत से, पूरे जुस्से के साथ, पूरी एनर्जी के साथ और पूरे सिद्धांतों के साथ मैं उसे परिपूर्ण करूंगी। क्योंकि आपने एक फाउंडेशन भी शुरू किया है जिससे लोगों की मदद करने की कोशिश की है, क्या है वो फाउंडेशन? वो मातृशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी का एक कोलैबोरेशन फाउंडेशन है, जहां पर एज ए कार्यकर्ता के तौर पे मैंने 2019 से लेके 2022 तक लगभग 200 के आसपास गांवों की मुलाकात ली है जामनगर के आसपास, क्योंकि मेरा एक थॉट रहा है कि लोग हमारे तक पहुंचे उससे ज्यादा बेहतर है कि हम लोगों तक पहुंचे।